हेलो, नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप? भावना गुड फील में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई रेसिपी, एक नया टेस्ट और एक नई खुशबू लेकर। तो शुरू करती हूँ आज की रेसिपी और सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जायके वाला आपके लिए ढोकला बनाने वाली हूँ। और आज बच्चों की खास फरमाइश पर ये मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, तो आपको दिखा देती हूँ। ये लिया है मैंने ग्राम फ्लोर, बेसन लिया है मैंने एक कटोरी, और ये कुछ ग्रीन चिली ली है मैंने, और ये हाफ लेमन लेमन लिया है, और ये लिया है मैंने जिंजर अदरक लिया है, और 1/4 स्पून ली है चौथाई चम्मच हल्दी, टर्मरिक पाउडर, और ये लिया है मैंने मस्टर्ड सीड, सरसों लिया है मैंने 1/2 चम्मच, नमक लिया है और सिमोलिना सूजी लिया है 2 चम्मच, और शुगर ली है ये, और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और अजवाइन ली है कुछ। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें मैं डालूंगी अपना ग्राम फ्लोर, बेसन डाल देती, सिमोलिना सूजी 2 चम्मच, और शुगर 1 चम्मच, 1 स्पून, 1/4 स्पून हल्दी, टर्मरिक। हल्दी आप इसमें ज़्यादा ना डालें, थोड़ा ही डालें, क्योंकि जब भी आप इसमें बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर मिलाएंगे तो ये इसका रिएक्ट करेगी और ये आपका ढोकला एकदम रेड हो जाएगा। तो आप हल्दी इसमें कम ही यूज़ करें। 1/4 स्पून अजवाइन, और ये मैंने लेमन जूस लिया है तो लेमन जूस करीब 1 चम्मच, और ये लिया है मैंने जिंजर, तो थोड़ा सा मैं जिंजर इसमें कद्दूकस कर लेती हूँ। जिंजर डालने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो मैंने ये थोड़ा सा जिंजर डाल लिया है, इतना ही काफ़ी है। और एक मैंने ग्रीन चिली ली है, इसको मैं बारीक चॉप करूंगी और इसे इसको भी डाल लेती हूँ इसमें बारीक बारीक। इस तरह से, और टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डालेंगे, तो मैंने 1/2 स्पून सॉल्ट लिया है और 1 चम्मच लिया है मैंने कुकिंग ऑयल, तो ये ऑयल डाल देती हूँ। और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिला मिलाकर मैं इसमें एक गाढ़ा घोल रेडी करने वाली हूँ इसका, तो मैं इसका गाढ़ा घोल बना लेती हूँ। ना ज़्यादा गाढ़ा होगा ना ज़्यादा पतला होगा, थोड़ा थोड़ा पानी डालती हूँ इसमें। तो इस तरह से मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए मैंने इसका एक गाढ़ा घोल रेडी कर लिया है। और आपको इसमें कोई भी लंग्स, कोई भी गुठली गांठ नहीं छोड़नी है, बिल्कुल एकदम स्मूथ बैटर बनाना है अपना। और देखिए मेरा ये बन के रेडी है बिल्कुल, और देखिए इसमें कोई भी गांठ नहीं है, तो मैं इसे थोड़ा सा भी और फेंट लेती हूँ। आप इसे बिल्कुल फेंटेंगे, इसमें कोई भी कैसी भी गुठली नहीं होनी चाहिए। तो मैंने इसे अच्छी तरह से फेंट लिया है, इसमें कोई भी गांठ नहीं बची है कैसी भी, और आपको दिखा देती हूँ इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ना ज़्यादा ये गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा ये पतला है, इसी तरह का आपको बैटर रेडी करना है। तो मेरा ये बिल्कुल घोल लिया है मैंने अच्छी तरह से, तो मैं इसको 1/2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देती हूँ, ताकि इसमें थोड़ा सा ये मेरा बैटर थोड़ा फूल जाए, तो मैं इसे साइड में रख देती हूँ और मिलते हैं आपसे 1/2 घंटे बाद। तो जब तक मेरा होता है ये बैटर रेडी, तब तक मैं अपने ये करी लीव्स लिए हैं, इनको मैं रख लेती हूँ तोड़ के, और मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये इसकी 8-10 लीव्स चाहिए, तो बस इतना ही काफ़ी है। तो ये मैं रख देती हूँ उठा के, और इतना ही मेरी लीव्स काफ़ी हैं। और इसके बाद मैं अपनी ये रेड ग्रीन चिली लिया है, इसको मैं लंबे स्लाइस में काट लेती हूँ, तड़का के लिए रेडी कर लेती हूँ। तो मैं इसको इस तरह लंबे पीसेस में काट लेती हूँ। इस तरह से मैंने अपनी ग्रीन चिली को लंबा लंबा काट लिया है इस तरह से, और तड़के में ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है जब मैं इसका तड़का लगाऊंगी, और तो बहुत ही अच्छा लगता है इसे ढोकले के साथ खाना। तो इस तरह से काटूंगी मैं इसे, और इस ग्रीन चिली को लंबा काटने के बाद मैं अपना ये हाफ लेमन लिया है, तो मैं इसका जूस निकाल लेती हूँ। और इस तरह से मैंने अपना लेमन जूस भी कर लिया है रेडी, और लेमन जूस हो गया है मेरा निकल के रेडी, और देखिए इतना मेरा लेमन जूस निकला है। तो मेरी ग्रीन चिली, करी पत्ता और लेमन जूस भी मैंने रेडी कर लिया है तब तक। तो मेरे बैटर को 1/2-1/4 घंटा होने वाला है रखे हुए, तो मैं तब तक अपना पानी रेडी कर लेती हूँ। तो मैंने ढोकला बनाने के लिए यहाँ पर एक भगोने का यूज़ किया है, और मैं इस भगोने को मैंने रख दिया है और गैस अपना चालू कर दिया है। तो मैंने ये लिया है मिक्सर के, 2 गिलास पानी है, तो अपना 2 गिलास पानी डालूंगी
क्योंकि मेरा ये करीब आधा घंटा ढोकला इसमें बॉईल होने वाला है स्टीम से, तो मुझे आधा घंटे के अकॉर्डिंग पानी रखना है कि आधा घंटा में मेरे पानी जलना नहीं चाहिए। तो मैंने इसमें पानी डाल दिया है और पानी में डाल दिया है, मैंने ये स्टैंड लिया है और मैं स्टैंड को भी इसमें डाल देती हूँ और मैं अपना पानी गर्म कर लेती हूँ। जब तक मेरा पानी बॉईल हो रहा है तब तक हम अपना बैटर चेक कर लेते हैं और हो गया है इसे करीब 35-40 मिनट होने वाले हैं और देखिए एकदम फूल के सेट हो गया है और देखिए इसमें खमीर भी आने लगा है। तो मैं इसमें डालूंगी या बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा इसमें ऐड करूंगी मैं। तो इसको डालने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इस तरह का ये बर्तन लिया है जिसमें कि आइस जमाते हैं। तो मैंने इसमें डाल लिया है 1 चम्मच कुकिंग ऑयल ऑयल डाल दिया है। तो मैं इसको इससे ग्रीस कर लेती हूँ ताकि मेरा ये ढोकला का बैटर इसमें चिपके नहीं। तो मैं इसे ग्रीस करती हूँ अच्छी तरह से। तो मैंने इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है ताकि मेरा ढोकला इसमें कहीं भी चिपके नहीं। तो इसे रखती हूँ एक साइड में और अब इसमें बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा ऐड करती हूँ। तो ये लिया है मैंने 1/2 स्पून लिया है बेकिंग पाउडर और 1/2 स्पून लिया है मैंने बेकिंग सोडा। पर मैं 1 चम्मच पानी डालूंगी, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं डालना है नहीं तो आपका बैटर पतला हो जाएगा। तो मैं इसको अच्छी तरह से फेंट लेती हूँ बिल्कुल एकदम फाइन। तो 3-4 मिनट हो गए हैं और मैंने इसे एकदम फाइन फेंट लिया है अच्छी तरह से। इसमें अब कोई भी बेकिंग पाउडर या सोडे का कोई भी इसमें गांठ नहीं है। आपको दिखा देती हूँ एकदम फाइन बैटर मेरा बन के रेडी हुआ है और मैं अब इसको डालूंगी इस कटोरी में और इस कटोरी में डाल लेती हूँ इसे। तो मैंने इसे इस कटोरी में पलट लिया है और इसके बाद में मैं बिल्कुल इसे सेट कर लूंगी, इसमें कोई भी एयर ना रहे अंदर। और इधर चेक करती हूँ मेरा पानी बॉईल हुआ है कि नहीं हुआ है और आपको दिखा देती हूँ। देखिए पानी एकदम बॉईल हो रहा है। तो मैं सावधानी से इस पे अपना ये कटोरा रख देती हूँ इस तरह से और मुझे अब इसको आधा घंटे तक मीडियम फ्लेम पर पकाना है। ओके, तो धीरे 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 इसको करीब 30-35 मिनट मुझे पकाना है। तो मिलते हैं आपसे 30-35 मिनट बाद। करीब 15 मिनट हो गए हैं तो हम एक बार इसे बीच में चेक करेंगे। तो मैं खोलती हूँ ढक्कन और चेक करती हूँ कि इसका पकना कहाँ तक पहुँचा है। तो मैंने इसके लिए एक चाकू का यूज़ किया है और चाकू को हम इसमें अंदर तक डालेंगे और देखेंगे पका है कि नहीं पका है। तो देखिए इस पे इसका जो घोल था वो आ गया है, इसका मतलब ये अभी पका नहीं है। तो हम इसे ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम उसको पका रहे हैं। तो 10-12 मिनट हो गए हैं तो इतना ही टाइम हमें अभी और लगेगा। तो इसे अब दूसरी गैस पर ट्रांसफर कर देते हैं। तो जब तक हमारा दूसरी फ्लेम पर ढोकला पक रहा है तब तक हम इसका तड़का रेडी कर लेते हैं। तो फ्लेम चालू कर दिया है और रख दिया है इस पे मैंने अपना तड़का वाला बर्तन। तो मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच ऑयल और अपने अब डाल देती हूँ ये मस्टर्ड सीड डाल देती हूँ। तो मस्टर्ड सीड मैंने इसमें डाल दिए हैं, सरसों डाल दी है, इसके बाद में अपने करी पत्ते डाल देती हूँ इसमें और इसके बाद डाल दूंगी अपनी ये ग्रीन चिली और इनको मैं भून लेती हूँ थोड़ा सा। मैं थोड़ा सा गोल्डन सा कर लेती हूँ, हल्का सा थोड़ा पक जाएगी हरी मिर्ची और करी पत्ते और जो मस्टर्ड सरसों मैंने इसमें डाली है। तो इसको मैं हल्का सा 2-3 मिनट के लिए पहले पका लेती हूँ और हो गए हैं 2-3 मिनट और हल्का सा ये पक गया है, इतना ही मुझे पकाना है इसे। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ अपनी ये शुगर, ये 2 चम्मच शुगर ली है मैंने, शुगर डाल देती हूँ। और इसके बाद में मैंने लिया है ये 1 गिलास पानी, तो पानी इसमें डाल देती हूँ और मुझे इसमें 1 गिलास ही पानी डालना है क्योंकि जो ढोकला होता है हमारा वो पानी बहुत अब्सॉर्ब करता है और सूख लेता है बहुत जल्दी। तो मुझे 1 गिलास पानी रखना है, अपना जूस इसमें ज़्यादा रखना है। तो इसके बाद मैं इसमें अपना ये एक नींबू निकाला था मैंने, तो मैं इसमें से आधा डालूंगी। 1 चम्मच मैंने नींबू का रस डाल दिया है और 1/2 स्पून टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देती हूँ इसमें नमक और मैं इस सब को कर लेती हूँ मिक्स और अपने इस शुगर सिरप को तड़के को मैं बॉईल कर लेती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो तड़के में आ गया है उबाल बहुत ही बढ़िया वाला और देखिए मैं इसे 2-3 मिनट के लिए उबालूंगी और मेरा तड़का हो चुका है एकदम रेडी। और 2 मिनट अब इसे और उबाल लेती हूँ अच्छी तरह से ताकि इसका बिल्कुल कच्चापन निकल जाए चीनी का और सारी मसालों का। तो 2 मिनट हो गए हैं, तड़का हो गया है मेरा एकदम रेडी। तो मैं अपना फ्लेम कर देती हूँ बंद और चेक करते हैं अपना ढोकला, चेक कर लेते हैं अपना ढोकला। तो हटाती हूँ ढक्कन और एक चाकू से चेक करूँगी इसे। तो मैंने चाकू लिया है ये, तो चाकू से मैं चेक करती हूँ
और देखिए बिल्कुल परफेक्टली बन के रेडी होगा है, इसमें कोई भी घोल नहीं आया है, बिल्कुल क्लियर है। दिखा देते हैं कि ढोकला एकदम बन के रेडी है। तो मैं अपना फ्लेम कर देती हूँ बंद, फ्लेम बंद कर दिया है और इस ढोकले को बाहर निकालती हूँ। तो मैंने इसे निकाल लिया है और मैं सबसे पहले इसे ठंडा कर लेती हूँ। आप इसे गर्म ना निकालें, ठंडा करके ही निकालें। तो मैं वेट करूँगी 10-15 मिनट का, जब तक कि एकदम ये ठंडा नहीं हो जाता। ठंडा नहीं, थोड़ा सा गुनगुना रहना चाहिए। तो मैं इसे पहले ठंडा कर लेती हूँ, तब इसे एक नई प्लेट में ट्रांसफ़र करूँगी। मैं इसे पलट दिया है एक प्लेट में और ये अभी गर्म है, तो मैं इसे उठाती हूँ और देखिए ये निकल गया है। और इसे अब थोड़ा सा अभी ठंडा हो जाने देते हैं और देखिए बहुत ही अच्छा एकदम बढ़िया ढोकला बन के रेडी हुआ है। और पहले इसे ठंडा हो जाने देते हैं, फिर हम इसको काटेंगे पीसेस में। ढोकला हो गया है हल्का हल्का ठंडा और आपको दिखाती हूँ, देखिए एकदम बढ़िया, देखिए बिल्कुल स्पॉन्जी बन के हुआ है, बहुत ही देखिए आपको दिखा रही हूँ, देखिए देखिए एकदम फ्लेक्सिबल बना है एकदम। और अब इसको मैं काट लेती हूँ, तो मैं इसको काटती हूँ, देखिए बहुत ही बढ़िया एकदम ढोकला बन के रेडी हुआ है। और पहले मैं इसे काट लेती हूँ, और देखिए आपको दिखाती हूँ, बहुत ही बढ़िया एकदम बढ़िया ढोकला बन के रेडी हुआ है। और मैं इस पर डालती हूँ अब अपना तड़का वाला सिरप, और देखिए ये सिरप डालती हूँ इस पर पहले इस तरह से। और मैं इस पे सिरप दो पार्ट में डालूंगी, पहले थोड़ा सा डाल देती हूँ, इसके बाद में फिर दोबारा से डालूंगी, क्योंकि ये ढोकला सोख लेता है सिरप को। तो देखिए बहुत ही बढ़िया सिरप बन के रेडी हुआ है और ढोकला भी। और आप सारे ढोकले को सिरप से बिल्कुल डिप कर दीजिए, ताकि ये अच्छी तरह से अंदर तक इसके मीठा और खट्टा वाला पानी चले जाए। और देखिए मैंने सारा डिप कर दिया है और 2 मिनट के लिए रेस्ट करते हैं, फिर दोबारा से इस पर डालूंगी। और देखिए आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही बढ़िया ढोकला बन के रेडी हुआ है। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे रहेगा आपके कमेंट का इंतज़ार। ना सारा सिरप डाल दिया है इस ढोकले में, आपको एक पीस मैं दिखाती हूँ निकाल के, और देखिए बहुत ही बढ़िया एकदम स्पॉन्जी बन के रेडी हुआ है। आपको दिखाती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे रहेगा आपके कमेंट का इंतज़ार। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और देखिए पास आके बहुत ही बढ़िया, और मेरा तो अभी से मुंह में पानी आने लग गया है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप आए हैं मेरे चैनल पर नए नए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।